मामा हमारे अमेरिका में स्कॉलरशिप में आए हैं, बहुत ही जहीन बच्चा है, और मैं सुमामा से कहूंगा कि अपने बारे में बताएं कि स्कॉलरशिप किस तरह मिली और क्या सब्जेक्ट है आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमामा छुटानी है, मैं स्वार्थमोर कॉलेज में फ्रेशमैन हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ और एट स्वार्थमोर आई एम स्टडिंग लिंग्विस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और आई माइट डबल मेजर इन इकॉन एंड सीएस में भी। पाकिस्तान से जब मैं आया तो मेरा इंटेंडेड मेजर लिंग्विस्टिक्स था, लिंग्विस्टिक्स इज़ अबाउट लैंग्वेजेस। मेरा प्राइमरी जो रिसर्च मैंने की थी हाई स्कूल के अंदर वो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के ऊपर थी, जिसके अंदर आई वर्क विद प्रोफेसर एडवर्ड फ्लेमिंग्स ऑफ MIT, जिसके अंदर हमने साथ मिलकर जो भी इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं सब कॉन्टिनेंट की उनके बारे में उनके एडवोकेसी कैंपेन की थी और उनके रिवाइटलाइजेशन के लिए अटैम्प्ट की थी। इसी वजह से मैंने स्वार्थमोर के भी अप्लाई किया था, क्योंकि इन द US देर आर ओनली 2 स्कूल्स जहाँ पे क्रेडिबल लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम है, एक तो MIT है और दूसरा स्वार्थमोर था, तो आई अप्लाई टू स्वार्थमोर। बाकी मैंने ए लेवल्स किया था और SAT स्कोर्स दिए थे, तो उसी वजह से फिर वो ग्रेड्स के ऊपर स्कॉलरशिप मिल गई और मेरा इंटेंडेड मेजर भी जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी इज़ वेरी क्रेडिबल फॉर दैट मेजर, तो अगर कोई साउथ एशियन स्टूडेंट आता है वहाँ से तो दे आर वेरी अप्रोचेबल और वो बड़ा वेलकम करते हैं, सो आई गॉट एन। क्या यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? यूनिवर्सिटी का नाम है स्वार्थमोर कॉलेज, पेंसिल्वेनिया के अंदर है ये, इट्स अ लिबरल आर्ट्स कॉलेज। तो इसके लिए क्या एजुकेशन दरकार होती है वहाँ की, पाकिस्तान की कितनी होनी चाहिए? जनरली बच्चों ने हाई स्कूल जो किया हुआ होता है तो जनरली जो स्टूडेंट्स स्वार्थमोर आते हैं वो उन्होंने कैम्ब्रिज OA लेवल्स किया हुआ होता है या तो फिर IB किया हुआ होता है और साथ में SAT देना होता है आपको या ACT दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आपको अच्छा स्कोर आता है SAT के अंदर 1450 प्लस 1500 प्लस और ए लेवल्स के अंदर अगर आपके स्ट्रेट A's हैं तो आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बन जाती है और आपका हायर चांस होता है टू गेट इन। पाकिस्तान में मैं सिटी स्कूल PAF चैप्टन में पढ़ता था, मैं एलिमेंट्री स्कूल से उसी स्कूल के अंदर था, वहीं पर OA लेवल्स भी वहीं पे किया सारा। किसकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा इतना आगे जाए? मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, इसके अलावा मामू नाना सब ने मुझे काफ़ी हेल्प किया एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर और थ्रू आउट मेरी एकेडमिक जो भी जर्नी है उसके अंदर। आपको आपके वालिद साहब की बड़ी कमी महसूस होती है? बिल्कुल, वो बड़े हैप्पी होते, उनका हमेशा से ड्रीम था कि बच्चा अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी डिग्री पर है। आपके वालिद मेरे दोस्त थे और आपके वालिद का बहुत बड़ा कारोबार था, कराची में बिल्डिंगें बनाते थे, खास करके जमशेद रोड पे और नाजमाबाद में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, बहुत अच्छे। मैं चूंकि इनका टैक्स रिटर्न में ही करता था जी, वो जिक्र करते थे आपका। इंसान थे, इतने ठंडे इंसान थे, इतने शरीफ इंसान थे कि मैं बता नहीं सकता, मगर आज मैं आपसे बिल्कुल बेइंतहा खुश हो रहा हूँ कि तुम अपने वालिद से भी ज़्यादा ज़हीन हो और तुम्हारे नाना जो के हमारे आफ्ताब आलम साहब है माशाल्लाह, इनका जो है इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खास करके कि आज तुम यहाँ पर मौजूद हो। बिल्कुल। तो बेटा तुमने ये बताया कि इसकी जो एक सेमेस्टर की फीस $80,000 है, एनुअल जो है $80,000 है, तो अभी चूंकि आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आपको एक कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल 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 मार्जिनल सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द करेंसी, उसके ऊपर तकरीबन लेस देन $1,000 है। जी एक तो उसमें बहुत ही मिनिमम सा एक कंट्रीब्यूशन है ताकि उसका एक इंटरेस्ट बच्चे का रहे, उसके पेरेंट्स का इंटरेस्ट रहे कि एक हम फी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एक तो उनका ये मकसद होता है, और 100% स्कॉलरशिप मींस वो 100% ही होती है। और इसके अलावा फिर इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, 2 महीने जब सेमेस्टर इनका ऑफ होता है लाइब्रेरी में जॉब करें, कोई प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं जिनसे इनको $4,000-5,000 की अर्निंग होती है, तो वो जो मार्जिनल फ़ी है वो भी ऑफसेट हो जाती है इनके उस एफर्ट से, ताकि बच्चा जो है वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा होता है और वो जो है वो घर से भी कोई एड ले ही ले रहा होता है, बल्कि अपनी कुछ ना कुछ अर्निंग सेविंग थोड़ी बहुत पॉकेट मनी जेनरेट कर रहा होता है। तुमने तो ये बताया ये अमेरिका में कि जिस वक्त ये आए थे तो जी ये $105 जी जी जब इन्होंने अप्लाई किया था तब उस वक्त जो भी करेंसी की फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पर डॉलर की वैल्यू थी, और फिर वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की करेंसी बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन हुई और डीवैल्यू हुई,
तो उनकी तरफ से खुद एक लेटर आया बिकॉज वो अब आपकी करेंसी इतनी ज़्यादा डी वैल्यू हो गई है, तो उन्होंने इक्विवेलेंट जो डॉलर वैल्यू बनती थी 100 रुपए के हिसाब से, वो उन्होंने जो 300 रुपए के हिसाब से बनती थी उन्होंने डॉलर वैल्यू को वो कम करके कहा कि अब आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन फी ये होती है, विच इज़ लाइक हाईली एथिकल प्रैक्टिस। और यू नो कि आप एक एक स्टूडेंट के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, और इतना ज़बरदस्त आपका एक सिस्टम डेवलप्ड है कि वो सिस्टम खुद एक पॉपअप करता है चीजों को। जब 105 का डॉलर, 105 रुपीस का एक डॉलर था, तो जहाँ उसको मकसद है कि 1,00,000 रुपए देने होते थे, अब तुम्हारे यहाँ 300 रुपए का डॉलर हो गया है, तो इन्होंने वो इनसे 500 कर दिए। हाँ, क्योंकि 1,00,000 रुपए ही रहे, ताकि उसको 1,00,000 ही रुपए देने पड़े पाकिस्तानी। एग्जैक्टली। और मगर इसको जो छुट्टियां भी मिलती है और उसको इनकम भी होती है, तो और माशाल्लाह और इनके सेविंग हो जाती है जी। साहब एक बात बताऊं मैं, बात दफा ये होता है कि कोई ना कोई पीछे होता है। एक तो इसके वालिद साहब की दुआ थी कि ये मेरा नवासा है, सब से प्यारा दुआ करते हैं, लेकिन इसके मामू जिशान आलम का बड़ा सपोर्ट था कि जिशान इसे कहता था कि यूं कर और ये इसको ओके करता था। तो जिशान के बाद अगर यहाँ अमेरिका में आया तो सबसे बड़ा सपोर्ट था हमारे शाहिद भाई का, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय। शाहिद भाई से यूनिवर्सिटी ले गए, वहां से लाए अपने घर। बारिश का जो पहला खतरा होता है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है, और जो बारिश का पहला खतरा है ना